अस्सलाम वालेकुम। तो माइक्रोबायोलॉजी में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लेप्टोस्पायरा इंटेरोगन, इंटेरोजन या इंटेरोगन, जो भी आप पढ़ना है। तो इसका आपने याद रखना है, सिर्फ एक चीज़ याद रख लें, सीवरेज वाटर, मतलब जो आपका जो नदी नाले हैं या फिर जो गटर साफ करते हैं ना, सीवरेज साफ, जो उनके जो वर्कर्स होते हैं मेनली, वो इन्वॉल्व होते हैं। इसके अलावा आपके जो इन्वॉल्व होते हैं वो है फार्मर्स। तो बेसिकली सिर्फ अपना इससे एक ही चीज़ याद रखना है, जो आपके सीवरेज वर्कर्स हैं ना, उनको अगर लंग्स की डिज़ीज़ हो, मेनली जो लंग्स की डिज़ीज़ हो, ऐसे हो जिस तरह आपको पेशेंट को क्या है, नमोनिया है, या फिर एच इन्फ्लुएंजा के जो इन्फेक्शन होते हैं उनके जो सिम्टम्स आते हैं वो हैं, तो अपने माइंड में एक डीडी याद लाजमी रखनी है, वो ये है कि लेप्टोस्पायरा इंटेरोगन है। अब लेप्टोस्पायरा इंटेरोगन आपका स्पायरोचीट है, स्पायरोचीट बैक्टीरिया है, एरोबिक बैक्टीरिया, या स्पायरोचीट स्पायरोकीट एरोबिक बैक्टीरिया है। तो अब इसका याद क्या रखना है कि इसका पहले तो रिजर्वायर, रिजर्वायर क्या है, इसके डोमेस्टिक और वाइल्ड एनिमल्स, मतलब आपके एनिमल्स कह लें, इसका रिजर्वायर जो है वो डोमेस्टिक एंड वाइल्ड एनिमल्स हैं, वाइल्ड एनिमल्स हैं। और स्प्रेड जो होता है, स्प्रेड ये होता है यूरिन के थ्रू, मतलब ऐसे नहीं है कि किसी पेशेंट ने, सॉरी, किसी एनिमल ने यूरिनेट किया है और उससे फिर इन्फेक्शन होगा, एनिमल से डायरेक्ट स्प्रेड नहीं होगा। तो यूरिनेट के थ्रू, ये थ्रू यूरिनेशन ये स्प्रेड होगा थ्रू यूरिन। और यूरिन में आपने याद रखना है, यूरिन में जो मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्वमेंट होती है वो कौन सी होती है, रेट यूरिन की। तो डोमेस्टिक और ये वाइल्ड एनिमल्स में आ जाते हैं ना, रैट आ जाते हैं, रैट की यूरिन मेनली, और रैट्स कहाँ पाए जाते हैं, हमारे गटरों के अंदर, नदी नालों के अंदर मेनली यहाँ पाए जाते हैं। तो इससे याद रखना है कि कहाँ किन को, किन के अंदर ये होगा, कॉमन किन के अंदर होगा। अब हम आम लोग तो नहीं ना, मतलब ये चीज़ें करेंगे, इनके कॉन्टैक्ट में नहीं आएंगे। तो सीवरेज वर्कर्स और मेनली सीवरेज वर्कर्स, और जो दूसरे हैं वो फार्मर्स हैं, क्योंकि नदी नाले जो हैं ये इनका पानी जो खेतों में भी जाता है, तो फार्मर्स भी इन्फेक्ट हो सकते हैं, मेनली फार्मर्स होंगे या सीवरेज वर्कर्स होंगे। इसी वजह से ऑक्यूपेशन लाजमी पूछते होते हैं कि पेशेंट करता क्या है। तो अगर सीवरेज वर्कर है और उसके निमोनिया के या एच इन्फ्लुएंजा के जो सिम्टम्स हैं, जो आपके आपको बताता हूँ, तो वो सिम्टम्स अगर आते हैं तो डीडी लाजमी याद रखना है कि बैक्टीरिया लेप्टोस्पायरा इंटेरोगन हो सकता है, इंटेरोगन, ठीक है। तो अब इसके सिम्टम्स क्या होंगे, सिम्टम्स बता देता हूँ आपको, सिम्टम्स इंपॉर्टेंट हैं। सिम्टम्स में पहला सिम्टम आ जाता है पेशेंट का हेपेटोमगैली, मतलब जो ये है इसका लीवर वो बड़ा हो जाएगा, साइज़ लीवर का साइज़ बड़ा हो जाएगा। और बड़ा होने के बाद जो आपका अपर क्वाड्रेंट पेन होगी, राइट अपर क्वाड्रेंट पेन होगी, दो चीज़ें कोरिलेट कर लें आप, एक तो ये आ जाएगा आपका पेशेंट को हेपेटाइटिस होगा। हेपेटाइटिस है, मैंने ये हेपेटोमगैली के तरीके से याद किया हुआ है, तो आप भी ऐसे याद रख लें कि हेपेटाइटिस है, इन्फ्लेमेशन है, हेपेटाइटिस जो लीवर है बड़ा हो गया, उसकी वजह से अब वो राइट क्वाड्रेंट पेन कॉज कर रहा है। तो राइट अपर क्वाड्रेंट पेन, तो दो सिम्टम आप कोरिलेट कर लें। थर्डली आ जाता है आपकी आँखों का कंजक्टाइवा, उसके कंजक्टिवाइटिस या हेमरेज ऑफ आपके कंजक्टाइवा। और यहाँ से आप ऐसे वाले याद रख लें, आपका लीवर से आपका राइट अपर क्वाड्रेंट पेन, साथ ही आपके नीचे आ जाती है किडनी आती है, तो रेनल फेलियर। इन तीन चीज़ों को इकट्ठे ही याद रख लें आप, रेनल फेलियर, ये लीड नहीं कर रही, ये सेपरेटली सिम्टम्स है, ये फर्स्ट सिम्टम है, सेकंड है, ये थर्ड है, मतलब मेनली ये तीन सिम्टम्स आएंगे। इसके अलावा पेशेंट को, जैसे कि मैं आपको अभी बताया, कंजक्टिवाइटिस होगा, हेमोरेजिक कंजक्टिवाइटिस हो सकता है पेशेंट को सब कंजक्टिवाइटिस, ठीक है, कंजक्टाइवा जो है उसके सब कंजक्टिवाइटस, कंजक्टाइवल आपका हेमरेज होगा, कंजक्टिवाइटस कर लें, या सब कंजक्टिवाइटल हेमरेज होगा। चार चीज़ें आपको मिलेंगी, एक आँखों के सिम्टम्स होंगे, आपके किडनी के सिम्टम्स होंगे, आपके लीवर के सिम्टम्स होंगे, एंड चौथा आपका आ जाएगा रिनाइटिस।
निमोनिया का, जिस तरह आपको बताया ना रिनाइटस होगा, तो फोर्थ पे आ जाएगा रिनाइटस, राइनाइटस, रिनाइटस। तो ये आपके सिम्टम्स होंगे पेशेंट के। अब जो याद रखना है, ये सिम्टम्स तो आएंगे, इसके अलावा काफ़ पेन भी, आपके जो काफ के जो मसल्स हैं उनकी पेन होगी, काफ पेन होगी, ये सिम्टम्स आएंगे। अब जो याद रखना है वो क्वाड्रेट याद रखना, मतलब चार चीज़ें याद रखनी है। कौन कौन सी चार चीज़ें याद रखनी है? एक लीवर डैमेज आ जाएगा, लीवर डैमेज है, लीवर सिरोसिस है, लीवर डैमेज है एक चीज़। दूसरी चीज़ किडनी फेलियर है। तीसरी चीज़ आपकी आ जाएगी कंजक्टिवाइटस, कंजक्टिवाइटस, वाइटस। एंड फोर्थ चीज़ आपकी आ जाती है रेनल फेलियर, हाई कॉर्ड, और आपके किडनी, किडनी फेलियर हो गया, किडनी फेलियर, रेनल डैमेज, कंजक्टिवाइटस और रेनाइटस, रेनाइटस। ठीक है, ये चार चीज़ें आपने सिम्टम्स में याद रखनी है कि हिस्ट्री में बताया हो पेशेंट को कंजक्टिवाइटस या हेमरेज है, आंखों के सिम्टम्स होंगे, किडनी के सिम्टम्स होंगे, आपके जो लिवर है उसके सिम्टम्स होंगे, और साथ में आपको क्या होगा, रेनाइटस होगा। तो ऐसे प्रेजेंट करेगा पेशेंट, प्रेजेंट ये जो आपकी डिजीज़ आएगी ऐसे प्रेजेंट करेगी, प्रेजेंट एज जिस तरह ये एच इन्फ्लुएंजा का इन्फेक्शन है, ये सिम्टम्स आएंगे इन्फ्लुएंजा के इन्फेक्शन के अंदर भी। तो आपको ये डीडी मतलब मिक्स करने के लिए, कि ये कंफ्यूज करने के लिए, आपको ये इन्फ्लुएंजा के सिम्टम्स आए जाएंगे। साथ में आपने ये याद रखना, काफ पेन है, रनाइटस है, ये चार सिम्टम्स याद रखने। और हिस्ट्री मेन जो चीज़ है वो ये है, आपने ये चीज़ नहीं मिस करनी, ये चीज़ नहीं मिस करनी, और उसका जो ऑक्यूपेशन है, ऑक्यूपेशन ये आपने मिस नहीं करना। सेवरेज वर्कर्स हैं कंफर्म है कि वो अब लेप्रोस्पाइरस से इन्फेक्ट होने के चांसेस हैं। इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन क्या करेंगे, सिर्फ आपके उसके ब्लड सीरम चेक कर लेंगे, सीरोलॉजी चेक कर लेंगे इन्वेस्टिगेशन में, सीरोलॉजी। एंड ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट इजी है, ट्रीटमेंट जैसे कि आपको हमेशा कहता हूँ कि आपने कोई भी माइक्रोबैक्टीरिया है ना जिसको ट्रीट करना, तुक्का लगाना वाला मैं हर वीडियो में ऑलमोस्ट बोल देता हूँ कि तुक्का नहीं लगाना। लाइक याद रखना, ड्रग ऑफ चॉइस तो याद रखनी है, लेकिन साथ में अगर आपको एज अ गेस्ट करना हो ना, तो आप कौन सी यूज़ करें, डॉक्सी यूज़ कर लें, तो डॉक्सीसाइक्लिन। इसके अलावा आप पेंसिलिन जी भी यूज़ कर सकते हैं, पेंसिलिन जी। तो ये ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट और सीरोलॉजी लेप्टोस्पायरा एंटेरोजेन का इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है इस डिजीज़ को पिक करना, क्योंकि सिम्टम्स ऐसे ही पूरा का पूरा एमसीक्यू ऐसे प्रेजेंट करेगा जिस तरह वो एच इन्फ्लुएंजा है, लेकिन एच इन्फ्लुएंजा नहीं होगा, वो लेप्टोस्पायरा एंटेरोजेन है। तो ये था आज का आपका टॉपिक। तो अगर आपको कोई भी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, आप अगर आपको चाहिए एच इन्फ्लुएंजा के सिम्टम्स, तो काइंडली आप कमेंट कर दें, मैं आपको एच इन्फ्लुएंजा के प्रॉपर पूरा सिम्टम्स आपको सेपरेटली बता दूंगा। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।